चोपड़ा साहब चोपड़ा जी हैं क्या? कौन? मैं पूजा का पापा हूँ। हाँ आइए आइए अंकल आइए आइए आओ भाई साहब आओ बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ अंकल, आप सुनाओ आप कैसे? मैं भी अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मैं। हाँ पूजा ने बताया मुझे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट थे। हाँ। अब कैसी है आपकी तबीयत? अब मेरे थोड़ा आराम है, लेकिन मैं मेरे को आपको पता है ना, मैं पीता खाता हूँ, मेरे को आदत पड़ी हुई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। पूजा ने ये बात तो मुझे बताई नहीं भैया। अरे पूजा कैसे बताएगी, पूजा से मैंने बोला था मुझको पैसे चाहिए, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। आपको पैसे चाहिए आप इसलिए आए मेरे पास? हाँ। अच्छा तो आप आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना भैया? मेरी तबीयत को छोड़ दो आप, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को लग रही है भड़क। और पूजा को अपने सैलरी नहीं दी, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। तो उसको चार दिन आए हुए तो उसको कैसे सैलरी दे दूंगा? सैलरी तो महीने बाद दूंगा ना। तो जो चार दिन के पैसे बनते हैं वो दे दो, मेरा क्या है, मेरे को तो टोड़ा मिल जाएगा, मैं अपना चला जाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, आराम से बैठो, पीछो पीछो के बैठो, कोई बात नहीं, वो मैं आपको दूंगा। मुझे माफ करना, कहना पूजा का पापा आ गया चार दिन के इसके अंदर। अरे नहीं नहीं, ऐसा माफी चाहता हूँ। आप क्यों माफी मांगते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? पर ऐसा तो बाप, मैंने पहली बार देखा कि आपसे मैं मिलना चाहता था, मेरी मिसेज आपसे मिलना चाहती थी, हम देखना चाहते थे कि चलो उस बाप से मिले जिसके लिए वो इतना रोती है। मेरी बेटी अच्छी है, मेरे लिए मरती है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आदत गलत पड़ी हुई है, पीने खाने की आदत पड़ी हुई है। सुधार सकते हैं अपने आप को? मैं कैसे सुधारूंगा, मैंने इसीलिए बेटी को अपने काम के लिए भेजा है मैंने। बेटी तो कर, मैं बुढ़ापे में कहां क्या करूं, बीमारी में इतना पैसा लगाया मेरी बेटी ने, अब मैं हॉस्पिटल से आया हूँ बड़ी मुश्किल से, मैं वहां से बोल के भी नहीं आया, डिस्चार्ज होके नहीं आया, मैं भाग गया मेरे को। आपको जब इतना मालूम है कि आपकी बेटी ने आपको डिस्चार्ज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, आप पैसे उधार उठा के आपका इलाज कर रही हो, फिर आप इस बात को सब समझ रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, बहुत मजबूर। पर ऐसा आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं छोड़ दूंगा तो उस बच्ची का जीवन सुधर जाएगा? मैं कैसे छोड़ू, मेरे को आदत बुरी पड़ गई है, मैं कैसे छोड़ दूं, आप बताइए, इतनी जल्दी छूट जाएगी, मैं कितने सालों से पी रहा हूँ। पूजा मेरी बेटी, अगर वो भी नहीं होती तो मैं तो मर जाता। मतलब आप इसलिए दुआ कर रहे हैं कि वो जिंदा रहे और आपको दारू के लिए पैसे देती रहे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और आपने क्या बोला, यही तो बात बोली अभी आपने, बच्चों को नाजों से पाला है चोपड़ा जी, मैं आपसे कैसे बताऊं अपनी स्थिति, कैसे बताऊं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, निर्धन गरीब आदमी हूँ मैं। कमाल, ऐसा गरीब तो मैंने पहली बार देखा जो सुबह उठते ही दारू पीने शुरू कर दे। वाह भगवान सबको गरीब करे ऐसा। ये मेरी गलती है ना, मुझको आदत पड़ गई, मुझे बहुत पहले से आदत पड़ गई, मेरी दोस्ती ऐसी जगह थी जब मुझे दोस्तों ने बिगाड़ दिया। पर आपके चेहरे से तो लग नहीं रहा कि आपको मतलब ऐसा गिल्टी महसूस हो रहा है। मैं क्या करूं चोपड़ा जी, अब मेरे को कुछ मत बोलो, मेरे को आप पैसे दे। कोई बात नहीं, मैं देता हूँ आपको पैसे। अब बैठिए, मैं देता हूँ आपको पैसे। क्योंकि रिदम की मामा अभी मैडम आती है आपको पैसे देती, चार दिन के कितने पैसे बनते हैं आपके? ऐसे पूजा के पापा हैं। मेरे को मेरी बेटी को काम से मत हटा देना। अरे क्यों हटा देंगे हम साहब, आपकी बेटी को क्यों हटा देंगे? नमस्ते बहन जी, बैठिए। ये पूजा के पापा हैं? हाँ हाँ जी, मैं पूजा का पापा हूँ, बड़ा बदनसीब, मैं अपनी बेटी को कमाने भेज रहा हूँ, मैं क्या करूँ। आपकी तो तबीयत खराब थी, अब ठीक हुआ? मैं हॉस्पिटल से आया, मेरे को आदत गंदी पड़ी हुई है पीने खाने की। मिल लिया आप पूजा के बाप से? मेरी पूजा बेटी नहीं होती तो मैं मर जाता। अरे तो एक बात बताओ, अभी तो आप हॉस्पिटल से आए हो, ये पीना खाना चलो ठीक है, लेकिन अभी तो बीमार हो आप, ठीक भी नहीं हुए पूरे। मैं ठीक हूँ,
मैं ठीक हूँ, अगर नहीं पीऊंगा ना तो मर जाऊंगा। ये कौन सी बात है, तो अनोखी बात सुनी हमने। ये डॉक्टर कहाँ है मुझे भी तो बता दीजिए, मैं भी तो पूछूं ऐसा कैसा इलाज है। मैं तो अभी तक उस लड़की को गलत समझती थी, मुझे क्या पता था कि पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है। मेरी बेटी गलत नहीं है, गलत तो मैं हूँ ना, मेरी गलत तो ये है ना, मैं जो करता हूँ गलत तो वो है। तो आप उसको बंद करो ना, सुधारो अपने आप को। कैसे सुधारूं चोपड़ा जी, मैं कैसे सुधारूं अपने आप को, मैं क्या करूं, मेरी बेटी ने मुझे दवाइयां भी ला ला के दी, मैं क्या करूं, मैं फिर भी मेरी आदत नहीं छूटती। तो साहब आपने क्या सोच रखा है? क्या सोचू मैं चोपड़ा जी, आप जैसे कहोगे मैं, अब तो मेरा काम चलाओ। मैं थोड़ा सा देखने क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि चार दिन जो काम किया है पूजा ने, उसके पैसे इनको दे दीजिए। क्यों नहीं बहन जी, मैं आप मेरी बात को समझो ना, मैं काफी टाइम से मैंने पी नहीं, मैं दो हफ्ते हो गए हॉस्पिटल। आपके अंदर से तो स्मेल आ रही है, आप कह रहे मैंने पी नहीं, पहले पिए में लग रही है। तो अभी मैंने पिए जरा सी, पिए जरा सी, इतनी सी देख लिया तुमने। ये इसको तो बेशर्मी कहते हैं। नहीं बहन जी, मैं बेशर्म जरूर बना दिया। लड़की बेचारी कैसे कैसे घरों में काम कर रही है, इसलिए कि बाप पी के आए। वो बेचारी कलपती है कि मेरे पापा एडमिट है हॉस्पिटल में है। मुझे कोई रास्ता दिखाओ चोपड़ा जी, मैं सब छोड़ दूंगा। अरे हम क्या रास्ता दिखा सकते हैं भाई साहब, जब आपने आंखों में पट्टी बांध रखी तो हम क्या रास्ता दिखाएंगे आपको। मेरे को बहुत गंदी आदत पड़ गई है पीने खाने की, मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है, और मैं क्या करूं चोपड़ा जी। अब आपने कहा था बेटी से, आप चिंता मत करो बेटा, मैं करूँगा कुछ, मैं बहुत आपका एहसान मंद हूँ। मतलब की पूजा की जिम्मेवारी हम दोनों पे छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझ गरीब पर दया करो। देखो रे दमनी मामा, मैं तो क्या ही बताऊँ, मैं तो ये हैरान कि वो लड़की जिस बाप के पीछे मर रही है और उनको देखो बिल्कुल नहीं सोच रहे अपनी बेटी के बारे में। नहीं बहन जी, ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, मैं मेरी बेटी हीरा है, मैंने लाजो से पाली है ना, वो तो मैं दिख उसके लिए क्यों नहीं सोच रहा। मैं क्या करूं, मेरी आदत ही इतनी गंदी पड़ गई कि मैं बस कुछ कह नहीं सकता। तो आपको ये सुधारो ना अपनी आदत, जब तक खुद नहीं सोचोगे कैसे छोड़ोगे आप इस चीज को, ये कोई अच्छी चीज है। छोड़ दूंगा। अब आप क्या चाहते हैं मेरे से, क्या नहीं, मेरे को थोड़ा सा लग रही है, मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो लड़की इतनी मेहनत से कमा रही है, इनको दे दे हम के ये पी ले। देखो पूजा ने तो मुझे नहीं बोला ना, मैम को बोला कि मेरे पिताजी आएंगे आपसे मिलने और उनको चार दिन के पैसे दे देना। पूजा को पता नहीं है, मैं बता के नहीं आया, मैं सीधा हॉस्पिटल से यहीं पे आ गया हूँ। मैं मेरी बेटी को वो तो मना करेगी, नहीं पापा पीने को पैसे मांगने पहुंच गए, बहुत बेइज्जती मेरी भी करेगी। आप समझो चोपड़ा जी, समझो मेरी बात को। गलत बात है, ये बहुत गलत बात है बहन जी। अब तो मेरे को देख लो, मैं थोड़ा सा बहुत थोड़ा लग रही है मुझे, दे दो इनको पैसे, मैं बहुत परेशान हूँ। पर ये कल को वो फिर पूजा आके हमसे लड़ेगी, आपने क्यों दिए पैसे अब बताइए आप। अरे आपको देने तो देना, नहीं तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा। ये भगवान, ये तो अजीब ब्लैकमेलिंग है, हमने तो बहुत गलती कर दी। तमाम तुम्हारा नाम आ जाएगा जब पूजा का बाप मर गया। हमारे घर में कलेश करने की जरूरत नहीं, इनको पैसे दो, भेजो हमें ना चाहिए ऐसे लोग। कितने पैसे दे दूं आपको, 50 रुपए काम चल जाएगा? 50 रुपए में कहां से चलता है, 100 रुपए 120 रुपए का क्वार्टर आता है, 120 रुपए का ये लीजिए। पूजा में हिसाब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी। बाकी चोपड़ा जी बहुत, अब नहीं आऊंगा मैं, अब नहीं आऊंगा, मैं पी के सो जाऊंगा। बाकी बात रही, हाँ चोपड़ा जी नशा उतर के फिर आ जाओगे? नहीं अब नहीं आऊंगा चोपड़ा जी। अच्छा बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा जी, मैं एहसान मानता हूँ आपका बहन जी है। हम एहसान मानते हैं, अब नहीं आऊंगा।